ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर एट पढ़ते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर एट है 3p प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर एट, एक्सरसाइज नंबर 1.2, 3p प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर फार्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस फार्मूले के तहत हम इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास a है, हमारे पास 3p स्क्वायर प्लस b है हमारे पास q स्क्वायर प्लस सी हमारे पास r स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab प्लस 2 3p q प्लस 2bc प्लस 2 q r प्लस 2ca प्लस 2 r 3p। तो 3p स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर लिख देंगे p की पावर 2 प्लस q स्क्वायर को लिख देंगे q की पावर 2 प्लस r स्क्वायर को लिख देंगे r की पावर 2 प्लस 2 3p q 2 3 6 pq प्लस 2qr प्लस 2r 3p, ये हो जाएगा 2 3 6 6rp। तो हम देखते हैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है या नहीं। 9p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, आई थिंक इसको मज़ीद सॉल्व करने की तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 9p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6pq प्लस 2q जी। तो यही बुक वाले ने भी यही आंसर लिखा है, तो हम इसको इसी को आंसर कंसिडर कर लेते हैं। वेरी सिंपल, दो स्टेप्स का क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होंगे सर।